नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाऊंगी आपको खाजा जो कि नमकीन है, ये चाय के साथ में आप खा सकते हैं। जो कि मैंने लिया है चावल का आटा, एक बोल चावल का आटा और एक बोल मैदा ली हूँ। मैदे को मैं पहले अलग से सानूंगी, इसमें डालूंगी मैं देसी घी 4 चम्मच और इसमें अजवाइन लूंगी मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर। मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है, अजवाइन इसमें डालूंगी। मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, हल्का सा इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये मैदा है, ये चावल का आटा नहीं है, ये मैदा है। देख पा रहे हैं मैंने इसमें तेल डाल करके घी डाला, इसके बाद इसको अच्छे से मसल के रख दिया। अब मैं इसमें इसके हिसाब से पानी डालूंगी, हल्का पानी डालना होगा मेरे को। डाल करके आटा गूंथ के रख देना है 2 मिनट के लिए। मैं इसको पानी डाल के अच्छे से गूंथ के इसको रख दूंगी 2 मिनट के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं आटा को गूंथ करके मैंने रख दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। अब मैं ये चावल का आटा ली हूँ, चावल के आटे में 2 चम्मच मैं घी मिलाऊंगी। घी मिलाकर इसमें पानी नहीं मिलाना है, इसको सिर्फ घी मिला करके ऐसे मिक्स कर कर रख देना है। ये चावल का आटा है, इसमें मैंने 2 चम्मच घी मिला करके इसको बना के इसे रख दिया, इसमें पानी नहीं मिलाना है। अब आगे मैं क्या बनाऊंगी आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था रोटी मैंने बेल लिया है, अब ये चावल का आटा जो घी मिला के रखी हूँ, अब इसको रोटी पे मेरे को लगाना है। इसको मैं अच्छे से रोटी पे लगाऊंगी, चारों तरफ लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूंगी, अब इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी रखना है। इसको अच्छे से चपका देना है इसके साथ, फिर इस पर चावल का आटा अच्छे से लगाना है। फिर मैं इस पर तीसरी रोटी लगाऊंगी, तीसरी रोटी मैंने अच्छे से लगा दिया, इस पर एकदम चपक गया। अब मैं इसको अच्छे से मोड़ूंगी, देखिए आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मोड़ूंगी। इस तरह से मोड़ लिया, रोटी मोड़ना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैंने अच्छे से मोड़ लिया, अब आप देख पा रहे हैं मैंने अच्छे से मोड़ा है। अब मैं इसको चाकू से काटूंगी। इतना बेहतरीन नमकीन इसका बनता है, अभी भी बना के स्टोर करके रख दीजिए, बाहर की नमकीन लाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से अपने घर में खाइए। मैंने इसको काट दिया, अब मैं इसको अच्छे से इसे दबा के लोइया बनाऊंगी। छोटा सा लोइया बनाऊंगी मैं इसको अच्छे से दबा के। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लूंगी, हल्का सा एकदम मैंने बेल दिया, इसको रख दिया साइड में। अब मैं इसको दबाऊंगी अच्छे से, फूलना नहीं चाहिए। मैंने इसको अच्छे से बेल दिया, ये मेरा थोड़ा सा फूल गया, कोई नहीं, इसको हम चपका देते हैं इसे। मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैंने इसको तीसरा ले लिया, इसको भी हाथ से ऐसे करके आराम से हल्का सा बेल लूंगी। इसको भी उसी तरह करूंगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कढ़ाई गरम है, तेल मैंने इसमें डाल रखा था, तेल गरम है। अब मैं इसमें अपना जो बनाई हुई लोइया वो डालूंगी हल्की आंच पे, इसको कड़क आंच पे नहीं फेंकना है, नहीं तो ये जल जाएगा। बहुत बेहतरीन नमकीन बनता है, आप जरूर बनाइए, बना के इसको खाइए, बहुत प्यारा बनता है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं मेरा खाचा बन के रेडी है, ये बहुत कुरकुरा होता है, एकदम खस्ता। आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत बेहतरीन बनता है और ये 2 मिनट में झटपट बनता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं आप डब्बे में अच्छे से, आप खाते रहिए। मेरे लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।